अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली जंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 4 तारीख से लेके 10 अप्रैल तक रहेगा, 4 से 10 अप्रैल तक देखा जाए तो माह रमज़ान की इब्तदा हो चुकी है और रमज़ान का पहला अशरा भी है। तो इस एतबार से रूहानियत तो अपने अरूज की मेराज के ऊपर है, और अगर हम लोग इसी रूहानी महीने में रूहानियत के एतबार से ही कुछ इस्लामी अहम वाक़ियात देखें तो हमारे पास इस पहले हफ्ते में सहीफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, उसके अगले दिन हमारे पास इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी का दिन है, और इसी ही हफ्ते की बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर वीकेंड के ऊपर हमारे पास आएगी नज़ूल तौरात की रात, और इसके साथ साथ आएगी हमारे पास वफ़ात बीबी फ़ातिमा बिनत असद अलैहिस्सलाम। तो इस एतबार से ये पूरा ही हफ़्ता रूहानियत की इब्तदा भी हो रही है, रमज़ान के एतबार से पहला अशरा है रहमत का, और इसके साथ साथ जहाँ पे आप लोग अपनी इबादत कर रहे हैं वहीं पे प्लानटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक भी जो प्लानटरी एस्पेक्ट बन रही हैं और जो प्लानटरी पोजीशंस बन रही हैं, और इसके साथ साथ जो एग्जॉल्टेड पोजीशंस आ रही हैं प्लैनेट्स की, वैदिक सिस्टम के तहत मरीख की पोजीशन, इसके अलावा यूनानी सिस्टम के तहत अगर हम लोग देखते हैं तो शम्स की पोजीशन, बहुत अहम मेजर प्लानटरी इवेंट्स बनने जा रहे हैं। और ये पहला ही हफ्ता माह अप्रैल का काफ़ी हद तक आप लोगों की ज़िंदगियों में रूहानियत के साथ साथ खूबसूरत चीज़ों को भी जन्म देगा, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में एक्टिव मुतहरिक होती हैं जो कि आपके करियर, कारोबार, रोज़गार, आपके इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, रिश्तों में जो दूरियां हैं उनका ख़त्म हो जाना, दिलों में जो कदूरते हैं उनका ख़त्म होना, और इसके साथ मोहब्बत का बढ़ना। क्योंकि माह अप्रैल आप लोगों ने अगर मेरा मंथली प्रोग्राम देखा है जो कि पूरे महीने के ऊपर है, उसमें अगर आपने देखा है तो आपको ज़रूर इल्म होगा कि इस पूरे महीने में हमारे पास शरफ़ ज़ोहरा की खूबसूरत सादतें आएंगी। इसके अलावा हमारे पास इस महीने में जहाँ पे यूनानी और वैदिक दोनों ही सिस्टम के अकॉर्डिंगली शरफ़ शम्स का भी महीना है, इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अहम मज़ीद प्लानटरी एस्पेक्ट्स बन रही हैं जिनमें बहुत सारी कुरानी आयात, वज़ाइफ, दुआएँ, नकूश, अलवा बनाए जा सकते हैं। तो इस एतबार से आप लोग मंथली वीडियो को लाजमी तौर के ऊपर देखें, और इसके साथ साथ आप लोग जो ऑलरेडी पिछली वीडियो जा चुकी है उसको भी लाजमी देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको शर्फ के एतबार से बहुत मखसूस चीज़ें ज़रूर बताई हैं, सिर्फ जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा है उसको लाजमी सुनिए। तो आप लोग भी अगर भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं माह रमज़ान में एग्जॉल्टेड पोजीशंस प्लैनेट की जो कि शर्फ शम्स की है, पूरे साल में एक दफ़ा ये खूबसूरत घड़ी आती है, और इसके अलावा इस साल हमारे पास जो शर्फ मरीख आ रहा है तो ये भी बहुत खूबसूरत अय्याम है, और इसके साथ साथ इसी महीने में इंशाल्लाह इख्तिताम के ऊपर जाके हमारे पास यूनानी सिस्टम के तहत शर्फ ज़ोहरा है, और फिर अगले महीने माह मई में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत शर्फ ज़ोहरा इंशाल्लाह होगा। तो इस एतबार से बहुत खूबसूरत घड़ियां हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मखसूस टाइमिंग्स को, औकात को देखा जाए तो जंजानी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी शर्फ मरीख और शम्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें भी आप लोग टाइमिंग्स देख सकते हैं दोनों स्कूल ऑफ थाट्स के मुताबिक, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में आपको शर्फ ज़ोहरा, और इंशाल्लाह फिर जब अगस्त में शर्फ अतारद होगा तो उसकी वीडियो भी ज़रूर मौजूद होगी। और इसके अलावा जो ग्रहण आ रहे हैं, साल का पहला ग्रहण जो कि हमारे पास अप्रैल की आखिरी रात को शुरू होगा और मई का महीना इब्तदा हो चुका होगा 1 मई, तो इस एतबार से पहला जो साल का ग्रहण है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग ग्रहण की हिफाजत के एतबार से भी रूहानी तदारक देख पाएंगे, और वैसे जो मंथली वीडियो है उसमें भी ऑलरेडी टाइमिंग्स मौजूद हैं, आप लोग उसको भी सुन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानब। तो जो पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हमल, उसकी जानब बढ़ते हैं। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों का जहाँ पे खुद इतमादी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, वहीं पर आप लोगों को अपने करियर के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले करते हुए थोड़ा सा आप लोगों को अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए चीज़ें, या दूसरों के तजर्बात जो हैं उनको सामने ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के तजर्बात से आप लोग वो चीज़ अखज कर सकते हैं कि आप लोगों का वक्त भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और जो प्रॉब्लम्स माइट भी आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं उनसे भी आप लोग महफूज रह सकेंगे। तो आप लोग इस पूरे वीक में अपने करियर के लेके जब भी कोई डिसीजन करें तो आप लोग दूसरों से लाजमी तौर के ऊपर या तो इस्तेफादा हासिल करें या फिर उनके तजर्बात से भरपूर आप लोग फेवर्स हासिल करें। इस पूरे वीक में अगर देखा जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों को आमदनी के अतबार से चीज़ें बड़ी खूबसूरत देखने को मिलेंगी, हल्का अहबाब ग्रो करता हुआ नज़र आता है,
हलका अहबाब में आप लोगों के चंद एक मुखलिस और रूहानी अहबाब की शमूलियत हो पाएगी। इसके साथ साथ आप लोग ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। खुद इतमादी की बिना के ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही थी, मुश्किल चल रही थी, उसका खात्मा करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा खान की ज़िम्मेदारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक की जो इब्तदा है उसमें खान की जिम्मेदारियों में इजाफी तवज्जो रखने की ज़रूरत होगी। और अगर इजाफी तवज्जो नहीं है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमारिक हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि हफ्ते की इब्तदा से ही आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें ताकि पूरे वीक में खान की माहौल में खुशगवारी रहे। और इसके अलावा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी या फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी जो फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोग हफ्ते के पहले दो दिन इज्तनाब बरतें। और इसके अलावा वेनसडे से ऑनवर्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आप लोग ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। रूहानियत के एतबार से देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त रहेगा, रूहानी वज़ाइफ़ या फिर रूहानी महाफिल के एतबार से भी, और इसके साथ साथ रूहानी सफ़र के लिहाज से भी। कोशिश करेंगे या ख्वाहिश होगी तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। शरीक मोहब्बत के मिजाज में थोड़ी सी हसासियत नज़र आती है, जिस वजह से बिला वजह की नोक झोंक, प्रॉब्लम्स, बहस व तकरार रह सकती हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों की कदर इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जो बिला वजह चीज़ें कंप्रोमाइज़ थी या बिला वजह आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ चल रही थी, वो चीज़ें कदर थोड़ा सा बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी। इसके साथ मुश्तरक नौयत के जितने मामलात हैं उनमें खूबसूरती आ सकती है। और आप लोगों के कुछ चंद एक मुखलिस लोग आप लोगों को शराकती अतबार से भरपूर फेवर्स दिला सकेंगे। ये पूरे वीक में आप लोग एहतियाती तौर के ऊपर जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। हफ्ते वाले दिन हस्बे तोफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। टॉरस बुर्जसौर, बुर्जसौर आप लोगों का ये पूरा हफ्ता एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के लिए करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड रहता हुआ नज़र आता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहे मुलाजमत पेशा हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे आप लोग अपना ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं, खास किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आप लोगों का ताल्लुक़ है, आप अपने करियर को ग्रो करने के बारे में चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र आते हैं, इज्जत रुतबे में इजाफा नज़र आता है, करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके भी मिल पाएंगे जिनको अवेल करना आप लोगों को मज़ीद तरक्की की राहों के ऊपर गामजन करेगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों के जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ अपनी रंजिशों को या कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड करती हुई नज़र आती हैं। और इस वीक में कुछ चीज़ें आपकी रुक सकती हैं जो कि आप लोगों की रिलेट करती हैं हल्का अहबाब से। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो सफ़र के एतबार से भी थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब भी ट्रैवल करें बग़ैर सदका के बिल्कुल नहीं करें, अपनी सवारी को अच्छी तरह चेक करें। और इसके अलावा दौरान सफ़र जो दूसरे लोग आप लोगों को किसी भी तौर के ऊपर गाइड करना चाहते हैं या उनके साथ आप लोगों का कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है तो कोशिश करें कि उनके तजर्बात, उनकी सोच या उनके नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को तजियाती तौर के ऊपर मत देखें। आप अपनी चीज़ों को अपने लिहाज से लेकर चलें, अपने मामलात के मुताबिक लेकर चलेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ये पूरा वीक आप लोगों का काफ़ी हद तक खानगी एतबार से खुशगवार है। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम काफ़ी हद तक आप लोग अंजाम देते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ से फेवर्स का मिल जाना या खानगी माहौल में खुशगवारी आ जाना आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक होगा। आप लोगों के ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी या फिर घर की तज़ीन आराइश, घर की तमीर, घर की शिफ्टिंग से रिलेट करती हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों की हस्बे ख्वाहिशात रहती हुई नज़र आती हैं। रूहानी तौर के ऊपर ये पूरा वीक देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के लिए खुशबख्त हैं, लेकिन रूहानी सफ़र हो या बिरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक एक्सचेंज या आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि तलीम के गराज़ों मकासद के अतबार से आप लोग सफ़र करना चाहते हैं, किसी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब आप लोगों को थोड़ा सा अपने फ़ैसलों को एक दफ़ा नज़रसानी करना है और दूसरों को एकदम से पैसा या उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेना या उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक अपनी चीज़ों को अंजाम देना आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं होगा। चीज़ों को ख़ुद से लेके चलें, स्पेशली अपने कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामलों को भी खुद से तरतीब देंगे तो मामलात ज़िंदगी खूबसूरत होंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र और इस्तेकामत की ज़रूरत रहेगी, वरना जल्दबाजी सिवाय बहस व तकरार के आपको कुछ नहीं दिलाएगी। ये पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा वीक रोमानवी एतबार से थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर है, लेकिन कम्युनिकेशन लेवल बहाल रहेगा तो आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी में खूबसूरती पीक एंड के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर आप लोग साहिब औलाद है तो औलाद के रोज़ो शब को भी इस वीक में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात देने की ज़रूरत है।
मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ कदरे खुशबख्त रहती हुई नज़र आती हैं। हसूल मुलाजमत के अतबार से भी जो अफराद कोशा हैं आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी खूबसूरत हो सकेगा। इस पूरे वीक में आप लोगों के मुश्तरका तौर के जितनी भी चीज़ें हैं या फिर आप लोगों का शरीक हयात के साथ जितने भी मामला चल रहे हैं उनमें थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी और शाइस्तगी रखें और शरीक कार के साथ भी चीज़ों को फाइनलाइज करते हुए कतई तौर के ऊपर हाकमियत मत जताएँ। दूसरों की राय को इम्प्लीमेंट कर देना आपके मामलात के लिए खूबसूरत हो सकता है और वक्ती बहस को भी इग्नोर कर देगा। इस पूरे वीक में आप लोग एहतियाती तौर के ऊपर जो रूहानी सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हजब तोफी किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जोजा के हामिल लोग आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के नसीब यावरी के अतबार से बहुत खूबसूरत है। रुके हुए काम जारी हो सकते हैं या दूसरों से फेवर्स का मिल जाना आप लोगों के लिए रूहानी खुशी का बायस होगा। इसके साथ जब पूरा वीक देखा जाए तो आप लोग काफ़ी हद तक इज्जत रुतबे और अपनी शख्सियत की पुरवकारीत को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली ये पूरा वीक आप लोगों के खानगी माहौल में दरपेश मुश्किलात परेशानियों का ख़त्म हो जाना, जहनी तौर के ऊपर आप लोगों की तकवीत का बढ़ना, आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी आ जाना और इसके साथ साथ आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के साथ बिला वजह जो कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम या बहस तकरार चल रही थी उसका ख़त्म हो जाना आप लोगों को मामलात ज़िंदगी में खूबसूरती दिलाता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा ये पूरा आपदा अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों का जहाँ पे इज्जत और रुतबे में इजाफा हो रहा है वहीं पे आपके करियर में भी बढ़ावा है। आप लोग अपने करियर को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें फाइनली तौर के ऊपर परफॉर्म दे रहे हैं उनमें आप लोगों को फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी, रूहानी खुशी नसीब होगी, रूहानी बरकतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, रूहानियत के तौर के ऊपर आपके मशागल बढ़ेंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में रूहानी अफराद की शमूलियत आप लोगों के मशागल में मज़ीद तब्दीलियाँ या मुस्बत पहलुओं को शुमार करना और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के या आप लोगों के ऐसे मामला जो कि स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं उनमें भी भरपूर फ़ायदा आप लोगों को इंशाल्लाह डेफिनेटली तौर के ऊपर इस वीक में मिलेगा। ये पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों को जहाँ पर बहुत सारी मज़ीद मुस्बत पहलु हैं, खूबसूरतियाँ हैं, वहीं पर थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान आउट करने की ज़रूरत है क्योंकि इब्तदाए हफ्ते में हफ्ते के पहले 2 से 3 दिन आप लोगों के लिए आमदनी के अतबार से थोड़े से एहतियात के हामिल हैं और अगर आप लोगों ने इन 3 दिनों में बेहतर तौर के ऊपर प्लानिंग्स कर ली, अपने माली लेन देन में एहतियात बरती और माली नुकसान से अपने आपको महफूज रखा तो अगले आने वाले 4 दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुशबख्त होंगे। इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता अजीज़ो कारब रिश्तेदार बहन भाइयों की तरफ से इज्जत का मिलना या उनके साथ मिल के किसी काम को कर रहे हैं तो तब भी चीज़ें आप लोगों की इज्जत के एतबार से बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के मुश्तरका तौर के ऊपर जितने मामलात हैं उनमें खुशबख्ती आ जाना, आप लोगों के शरीक हयात के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या अज़दवाजी तौर के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें खूबसूरती आ जाना और इसके अलावा इस पूरे ही वीक में आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि दूसरों की वजह से रुकावट का शिकार हैं या दूसरे बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन मामलात में भी कदरे आसानी आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोग अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद के अतबार से मामलात को थोड़ा सा एहतियात देने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक अपनी फिजिकल हेल्थ को भी थोड़ा सा इजाफी तवज्जो और वक्त देने की ज़रूरत है। इस पूरे वीक में मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत, अपने डिसीजन मेकिंग को पॉजिटिव और इसके साथ साथ अपने छोटे छोटे हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल रखने के लिए आप लोग जो अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। बुध वाले दिन हजब तफी किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। कैंसर बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का हफ्ते की इब्तदा के ऊपर अपने थोड़े से फैसलों को नज़रसानी करने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों की कुवत फैसला इतनी ज़्यादा पायदार नज़र नहीं आती तो कोशिश करें कि हफ्ता शुरू होने से पहले आप लोगों ने पूरे वीक में जो भी चीज़ों को अंजाम देना है उनको एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर करें और बैठ के बेहतर तौर कर हिकमत अमली को तय कर लें कि आप लोगों ने पूरे वीक में कौन सी चीज़ों को अंजाम देना है, कौन से मामलात को अंजाम देना है और किस तरतीब से देना है, किस फ़र्द के साथ आपने अपने कौन से रवाबत शेयर करने हैं, किस फ़र्द के साथ कितना ट्रस्ट लेवल आप लोगों ने बहाल और बरकरार रखना है या अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को किस तरीके से अंजाम देना है और किस फ़र्द के ऊपर रिलाई करना है या खानगी माहौल, प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, हर तरह के मामला को आप लोगों को बैठ के प्लान आउट कर लेना चाहिए ताकि ऑन दी स्पॉट जब आप लोगों को कोई फैसला एकदम से करना पड़े तो आपके पास प्लानिंग्स मौजूद हों, आपको पता हो कि आप लोगों ने इस मौके के ऊपर चीज़ों को किस सतह के ऊपर लेके जाना है ताकि फौरी तौर के ऊपर जो डिसीजंस हों उनमें कतई तौर के ऊपर ना पुख्तगी ना हो सके।
इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों का आमदनी के अतबार से खूबसूरत है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें आप लोगों की खूबसूरत हैं, बेहतर हैं, मुस्बत हैं, आप लोगों के मौके बढ़ते हुए नज़र आते हैं, अपने रोज़गार को भी बहाल और बेहतर करने के लिए या फिर हसूल मुलाजमत के अतबार से जो अफराद कोशिशें कर रहे हैं उनको भी काफ़ी हद तक फ़वाद मिल सकते हैं। इवन गैबी तौर के ऊपर आप लोगों को माली तौर के ऊपर मदद भी मिल सकती हैं, या रुकी हुई पेमेंट्स तकाजा करने से मिल जाएँ, या फिर आप लोगों के विरासती तौर के ऊपर जितने प्रॉब्लम चल रहे हैं उनका सुलझ जाना भी आप लोगों को भरपूर फ़ायदा दिला सकता है। इसके अलावा मुश्तरका तौर के ऊपर किसी के साथ मिलकर अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मुश्तरका तौर के ऊपर मामलात में भी माली तौर के ऊपर फ़वाद मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो खानगी अतबार से आप लोगों को थोड़े से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने ट्रस्ट लेवल को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, और खानगी माहौल में खुशबख्ती बहाल और बरकरार रखने के लिए आप लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ फरमाइशें अपनी फैमिली मेम्बर्स की पूरी करनी चाहिए ताकि आप लोगों का खुशगवाराना माहौल बहाल और बरकरार रह सके। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का सवारी के अतबार से जितने फैसले हुए या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है या एग्रीकल्चर में है, इस एतबार से भी जितने फैसले होंगे उनको एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर करें या फिर अपनी पहले से की गई प्लानिंग्स को मद्दनज़र रखते हुए चीज़ों को तरतीब देंगे तो फ़वाद रह पाएंगे। अगर ऑन द स्पॉट कोई डिसीजंस कर रहे हैं या अपने फैसलों को चेंज कर रहे हैं आप लोग तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। यह पूरा वीक आप लोगों के मोहब्बत के अतबार से इजहार मोहब्बत तो रह पाएगा, मोहब्बत से जुड़ी हुई थोड़ी सी बहस तकरार या प्रॉब्लम्स या बिला वजह की हसासियत आप लोगों के रिश्ते में रहने की इंडिकेशंस मौजूद हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा बहस तकरार को अवॉइड करके या खामोशी इख्तियार करके आप लोग मसाइल प्रॉब्लम्स से महफूज रह सकते हैं। और यही क्राइटेरिया आप लोगों का थोड़ा सा रहेगा अजदवाजी ज़िंदगी में अपने शरीक हयात के साथ अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए कि आपने अजदवाजी तौर के ऊपर भी चीज़ों को बहसो तकरार की तरफ नहीं लेके जाना, खामोशी इख्तियार करें या फिर शरीक हयात की तरफ से अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को या सुनने को मिल रही हैं जो कि आपके मिजाज के बरखिलाफ़ हैं तो रद्द कर देना या सब्र व इस्तकामत से काम लेना, और बाद में आप लोगों ने अगर उनको किसी भी तौर के ऊपर तनकीद करनी है, समझाना है या कोई नाराज़गी का इजहार करना है तो वक्ती तौर के ऊपर इस हफ़्ते को गुजर जाने दें और वीकेंड के ऊपर या अगले हफ्ते में इजहार करेंगे तो मामला कदरे थोड़े से बेहतर होंगे। अदरवाइज़ इस वीक में फौरी तौर के ऊपर चीज़ों को तनकीद की तरफ ले जाना या फौरी तौर के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर मामलात को उनकी राय के ख़िलाफ़ लेके जाना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जिसको आप लोग थोड़ा सा तदबीर के साथ और रूहानी तौर के ऊपर सबका ये रेमेडी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आप लोग इस पूरे वीक में अपने फैसलों के अतबार से अपने मिजाज की जल्दबाजी के लिहाज से कुवत फैसलों को बेहतर करने के लिए या फिर बिला वजह की नाराज़गियाँ लड़ाइयाँ रंजिशों को कंट्रोल और बेहतर रखने के लिए जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हजब तफी किसी भी लाल रंग की चीज का लियो बुर्जसत। बुर्जसत आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों का थोड़ा सा अपनी खुद इतमादी को बैलेंस करने की जरूरत है, जो कि मैं पिछले एक दो वीक से आप लोगों को ये चीज गाइड कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने कुव्वत इरादी अपने ओवर कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। तो चीजें अगर आप लोगों के इख्तियार में बैलेंस्ड हैं तो मामलात जिंदगी खूबसूरत है। ये पूरा वीक रूहानियत के अतबार से बहुत पॉजिटिव है। आप लोग बैरून मुल्क के अतबार से कुछ कोशिशें कर रहे हैं, सफ़र के लिहाज से, स्टडी के अतबार से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या अपनी मुलाजमत के अतबार से भी, तो ये हफ़्ता उस एतबार से भी खूबसूरत इंशाल्लाह साबित होगा। इसके साथ साथ ये पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का रिश्तों के अतबार से मुस्बत है, पॉजिटिव है। आपके चाहे अजीज़ो क़ारिब हों, दोस्त हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके शरीक हयात से लोग लिंक करते हैं या फिर आप लोगों के इन लॉज हैं या फिर आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी भी क्यों ना हो, ये पूरा वीक आप लोगों को ऐसे तमाम रिश्तों से बड़ी मोहब्बत, बड़ा तकद्दस और बड़ी खूबसूरत अल्फाज पज़ीराई, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना या मुस्तकिल मुतद्दद चीज़ों में आप लोगों को फेवर्स उनकी तरफ से मिलती हुई नज़र आती हैं। इवन अगर उनकी ज़ात से कोई काम आपके मुंसलिक हैं और वो माजी में एक शायद रुकावट का शिकार थे, इस वीक में वो काम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हज़्ब मंशा आप लोगों के तय पा जाएंगे। ये पूरा वीक आप लोगों का इजहार मोहब्बत के अतबार से भी खूबसूरत है और इसके अलावा शादी के अतबार से या शादी के लिए की गई कोशिशों के लिहाज से भी काफ़ी हद तक खूबसूरत नज़र आता है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग्स अपनी आमदन के अतबार से रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या फिर फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों को अगर कर्ज लेना है या कर्ज देना है तो हर दो अतबार से चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग एहतियात करें, अदरवाइज़ बाद में परेशान कुन हालात होने की भी इंडिकेशंस मौजूद हैं या कर्ज़ की वापसी फिक्स की गई डेट के मुताबिक शायद ना हो सके। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का करियर
ज़ाती बिजनेस के अतबार से खूबसूरत है, जो कि ज़ाती बिजनेस हो या मुश्तरक तौर पर किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, उस सूरत में तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए खूबसूरत है कि मामला ज़िंदगी आपके हसब मंशा तय होंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, मुलाजमत को स्विच करना या मुलाजमत के अतबार से चीज़ें जो आपकी बिलावजह प्रॉब्लम्स में चल रही हैं उनको सुधारने के लिए कुछ इकदाम करना, तो तब चीज़ें इतनी ज़्यादा बेहतर शायद ना हो सकें। कोशिश करें कि मुलाजमती मामला को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को इस्तकामत के साथ लेके चलें, तसलसल के साथ लेके चलें। चीज़ों को तब्दील कर देना या दूसरों के ऊपर जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को तब्दील करना या उनके साथ जो आपके रवाबत हैं उनको तब्दील कर देना, या आप लोग जो मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन लेवल बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर डिसहार्ट होकर चीज़ों को छोड़ देना, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। क्योंकि चीज़ों को तसलसल के साथ लेके चलेंगे तभी मुलाजमती मामलात या उससे जुड़े हुए लोगों से आपको फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। ये पूरा वीक आप लोगों के इज्जत रुतबे और करियर के अलावा आप लोगों के सोशल लिंक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप सोशली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक एक्टिव व मुतहरिक होंगे और ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल या शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर रिलाय करना इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि रिलाय के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम ये पूरा महीना रुक जाना चाहिए और फिर उनके साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को या किसी भी एतबार से उनके साथ आप लोगों ने अगर कोई ट्रस्ट से रिलेटेड चीज़ें शेयर करनी है तो तब कम से कम आप लोग इसके लिए पूरा महीना रुकें और अगले महीने के बाद चीज़ें शेयर करें, तो तब आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होंगी। अगर जल्दबाजी में आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल बिल्डअप कर लेते हैं तो फिर इस एक से दो हफ्ते में आप लोगों को वक्ती मायूसी भी हो सकती है। सो इस एतबार से थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। जहाँ पे आप लोग अपनी खुद एतमादी को बैलेंस कर रहे हैं वहीं पे सोशल लिंक्स को भी थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करें और इस पूरे वीक में आप अपने मामला ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, मुलाजमत जिम्मेदारियों को बेहतर बनाने के लिए जो रूहानी बरकत के एतबार के ऊपर सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हसब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का वर्गो बुर्ज शुमला आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आला ज़र्फ़ी बदस्तूर आपके मिजाज के ऊपर हावी रहेगी, जिसकी बदौलत आपके रिश्ते तो खूबसूरत हैं, आपके मुलाजमती मामलात बड़े पॉजिटिव होंगे, आपके मुश्तरक तौर के ऊपर रवाबत बड़े मुसबत होंगे, आपके इज़दवाजी तौर के ऊपर शरीक हयात के साथ ट्रस्ट लेवल का जो बिल्डिंग का रिलेशनशिप है वो बड़ा पॉजिटिव मेयार के ऊपर चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को जो ज़ाती बिजनेस के अतबार से मामलात ज़िंदगी है उसमें आप लोगों को नए माहदे करने से पहले थोड़ा सा अपने माजी में किए गए फैसलों को ज़रूर नज़रसानी करें, क्योंकि ज़ाती बिजनेस में नए माहदे करना, नए अहद करना, नई इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए इस एतबार से इतना ज़्यादा मुस्बत ये वीक नज़र नहीं आता। तो कोशिश करें जो चीज़ें पहले से चल रही हैं बिज़नेस के अतबार से वो पहले से ही लेके चलें। ज़ाती बिजनेस में कोई रद्दोबदल, माहिदों की तब्दीली, इन्वेस्टमेंट्स मजीद कर देना आपके लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके साथ साथ ये पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में ज़ाहरी तौर के ऊपर जो हासद हैं वो काफ़ी हद तक हदबंदी की सूरत में रहेंगे। आपको ज़ाहरी हासदों से इतनी कुछ प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी, बल्कि आप लोगों की सेहत जिस्मानी में बेहतरी, इसके अलावा मुलाजमती जिम्मेदारियों में खुशबख्ती, आप लोगों के मुलाजमत का मिल जाना या मुलाजमत को तब्दील करना या फिर इंक्रीमेंट का मिल जाना आप लोगों को खूबसूरती दिलाता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहता हुआ नजर आएगा। सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला जफर साबित होगा और आप लोगों के ऐसे रवाबत जो कि आप लोग अपने अजीज़ों कारिब के साथ मिलके या बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ मिलके अगर आप लोग चीज़ें अंजाम दे रहे हैं तो तब भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त नज़र आता है कि दूसरों के साथ तावन करके मामलात को अंजाम देना या बिज़नेस को लेकर चलना आप लोगों के इस वीक में चीज़ें फेवरेबल रह पाएंगी। लेकिन ये हफ्ता आप लोगों का रोमानवी ज़िंदगी के अतबार से थोड़ा सा हसासियत का शिकार है। बिलावजह की बहस तकरार, नाराज़गियाँ, कम्युनिकेशन गैप, लड़ाई झगड़े या फिर आपका शरीक मोहब्बत शायद आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी को ना समझ सके और आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप या सोच के मिसमैच होने की वजह से प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो कोशिश करें कि मामला ज़िंदगी को थोड़ा सा रोमानवी अतबार से बेहतर बनाएं और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब को भी ख़ास तवज्जो रखने का लाजमी दें और हर चीज़ मनवन तस्लीम कर लेना भी आपके लिए बाद में परेशानी लेके आ सकता है। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक ज़ाती बिजनेस के अलावा आप लोगों के ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के अतबार से भी तब्दीलियों के लिए इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने रोज़गार के साथ साथ जो कि ज़ाती बिजनेस लिंकअप है, आप लोगों की प्रॉपर्टी हो, वहीकल हो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हों या प्रॉपर्टी से रिलेट कोई भी डिसीजन हो उसको एक दफ़ा किसी मुखलिस फर्ड से ज़रूर शेयर करें और फिर मामला ज़िंदगी को फाइनलाइज़ करें। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग जो आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं दूसरों के साथ उसका इन रिटर्न डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेगा और इसी के सबब आप लोगों के हल्का अहबाब में
वसत आ सकती है। इस पूरे वीक में आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने करियर से जुड़े हुए मुश्किलात को कंट्रोल रखने के लिए जो रूहानी बरकत के अतबार से सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़्ब तौफीक गंद में बाजरा। लिब्रा बुर्ज मिज़ान, बुर्ज मिज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोग काफ़ी हद तक जहाँ पे पिछले वीक में अपने रिश्तों में मोहब्बत भरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे ये हफ़्ता भी उसी का तसलसल रहता हुआ नज़र आते हैं। और यही वजह है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्द हो, आपका उसके साथ रबता मोहब्बत भरा होगा, चीज़ें खूबसूरत रहती हुई नज़र आती है। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आप लोगों के अज़ीज़ो क़ारिब हैं, नेबर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, रोमानवी ज़िंदगी है या अज़दवाजी ज़िंदगी हो, या आपकी मुलाजमत से जुड़े हुए अफराद हों, चाहे मातहत या हुकाम या कोवर्कर्स, हर तरह के अफराद के साथ आप अपने रवाबत को बहाल रखे हुए नजर आते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। दरपेश मुश्किलात को हल करने की काफ़ी हद तक आपकी अवलिन कोशिशें कामयाब भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये कोशिश तसलसल के साथ जारी रखते हुए नजर आते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप शायद कभी किसी रिश्ते के साथ चल रहा था वो दोबारा से फिर कहीं ना आ जाए। हर रबता आप लोग बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि ये वीक आप लोगों को हर तरह के अफराद की तरफ से फेवर्स भी मिल पाएगी, जहाँ पे आप उनका एहसास व ख्याल करते हुए नजर आते हैं वहीं पे उनकी तरफ से भी आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। और इसी ही की वजह से आप लोगों के खानगी माहौल में दरपेश मुश्किलात परेशानियों का हल या फिर उनकी मावनत की वजह से आप लोगों के बेसिकली खानगी मामलात में बिला वजह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप लोगों के कोई ऐसे फैसले हैं जो कि प्रॉपर्टी की तब्दीली से हैं, व्हीकल की तब्दीली से हैं, या फिर आप लोगों के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के अतबार से हैं, तो दूसरों की मुशावरत से ही मामलात ज़िंदगी आप लोग खूबसूरत बना पाएंगे। ये पूरा वीक आप लोगों का सफ़र के अतबार से भी खूबसूरत रहता हुआ नज़र आता है। दौरान सफ़र नित नए अफराद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाना, या फिर दौरान सफ़र को नित नए तजर्बात या आइडियाज़ का आ जाना जिनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना आपके लिए भरपूर फ़वाद का हामिल रहेगा। माली तौर के ऊपर जो चंद एक मुश्किलात चल रही हैं उनको आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी हिकमत अमली के तहत कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं, और इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक अपने खर्चात को कंट्रोल करने के अलावा ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, या फिर आप लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि तलीमी तौर के ऊपर हैं, या आप लोगों के ऐसे रोज़गार से हैं जो कि आबाई शहर या वतन से दूर हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इस पूरे ही वीक में बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीक अपनी तमाम तर ऐसी प्रॉब्लम्स को भी आप लोग इंशाल्लाह कंट्रोल या ओवरकम कर लेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता ज़ाती बिजनेस के अतबार से पहला एक दिन जो है वो थोड़ा सा एहतियात तलब गुजरता हुआ नजर आता है, कि पहले ही दिन हफ्ते की इब्तदा से ही, सोमवार वाले दिन से ही, अगर आप लोग अपने ज़ाती बिजनेस के अतबार से चीज़ों को थोड़ा सा पुश करना शुरू कर दें, और थोड़ा सा अपने बिजनेस से जुड़े हुए जितने मामलात हैं उनके तमाम तर चीज़ों का फीडबैक लेना शुरू कर दें, तो मामलात ज़िंदगी आपके बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने हफ्ते की इब्तदा से ही थोड़ा सा चीज़ों को लाइट मोड में रखा तो अगले आने वाले दिनों में भी चीज़ें उसी टोन में रहती हुई नज़र आती हैं। इस पूरे वीक में अपने मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत रखने के लिए, मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़्ब तौफीक गंदमिया बाजरा। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब, बुर्ज अक्रब आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता थोड़ा सा नज़र बद को ओवरकम या कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को रूहानी बरकत या वज़ाइफ़ के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा अपने सदक़ात को भी तसलसल के साथ अंजाम देने की कोशिश करनी है, और इसके अलावा आप लोग जहाँ पर नज़र बद के शिकार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर अपने नाम का इसमें अज़म लाजमी तौर के ऊपर वर्द करना शुरू करें, और इसके साथ साथ ये पूरा ही वीक आप लोगों को थोड़ा सा प्लानिंग्स के साथ गुजारने की कोशिश करनी है, जज्बाती फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश करें और हकीकत पसंदी की तरफ आ जाएँ। अगर आप लोग कुछ चीज़ों को इजहार करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, या चाहे वो तनकीद ही क्यों ना हो, आप लोगों को चीज़ों को शेयर कर देना चाहिए, रोकना आपके लिए सही नहीं है। अपने ख्यालात का इजहार करना, अपनी सोच की अकासी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता हुआ नज़र आता है, क्योंकि चीज़ें अगर रुक जाएंगी तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी ज़हनी तौर के ऊपर, बिला वजह का फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल आप लोगों का इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग अपने ख्यालात का इजहार एक बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो दूसरे फ्रीकैन की तरफ से आप लोगों को इंशाल्लाह फेवरेट्स डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेंगी। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अपने जज्बाती इकदामात या फैसलों को कंट्रोल करना है, हकीकत पसंदी के साथ चीज़ें जो लेके आप चल रहे हैं या मामलात आप लोग हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद अंजाम देने हैं, तो मामलात ज़िंदगी आपके लिए खूबसूरत होंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी इंशाल्लाह वो सुलझ जाएंगी। खानगी माहौल में खूबसूरती, सवारी से जुड़ी हुई मुश्किलात का हल हो जाना, खानगी माहौल में खूबसूरती आ जाना, या फिर आप लोगों के ऐसे रवाबत जो कि वालदैन की तरफ से बिला वजह
किसी भी परेशानी का शिकार थे उनमें बेहतरी आ जाना, अजीजों कारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपकी रंजिशों का दूर होना, सफ़र का इरादा होगा तो सफ़र माली तौर के ऊपर फवायद का हामिल, और इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा कम्युनिकेशन गैप जो कि आपके सिबलिंग्स के साथ हैं, ऐसी चीज़ों का भी काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में रूहानी तदारक निकल आएगा। तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए मजबूत पहलुओं की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर तदारक सिर्फ नज़रबंद के मनफी असरात को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल होंगी, चाहे वो रोमानवी तौर के ऊपर हों, चाहे वो औलाद के अतबार से हों, चाहे वो अजदवाजी तौर के ऊपर हों, या मुश्तरका तौर के ऊपर मामलात ज़िंदगी या ज़ाती करियर से जुड़े हुए मामलात हों, या फिर आपके हल्का अहबाब से जुड़ी हुई चीज़ें हों। आप लोगों को एक चीज़ से थोड़ा सा नज़रसानी रखने की कोशिश करनी है कि आपके हल्का अहबाब में कुछ ऐसे अफराद ज़रूर मौजूद हैं जो शायद माजी में कहीं गायब हो गए थे, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने की बजाय कुछ चीज़ों को आप लोग वक्त के धारे के ऊपर छोड़ दें तो मामला ज़िंदगी आपके लिए ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एट द एंड ऑफ द वीक बेहतर हो जाएंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ा सा अपने तलीमी मामलात को इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को अपने रूहानी फ़राइज़ को बेहतर अंदाज में अंजाम और वक्त के ऊपर अंजाम देने की कोशिश करनी है, और इसके अलावा ये पूरा ही वीक आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि आबाई शहर या वतन से दूर है या फॉरेक्स ट्रेडिंग की सूरत में है, ऐसे मामलात को भी थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर तवज्जो लाजमी दें। बिरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट या बिरूने मुल्क वीज़ा के हसूल के लिए डॉक्यूमेंटेशन की आप लोग चीज़ों को अगर प्लान आउट या फिर सबमिशन देना चाह रहे हैं तो तब भी थोड़ा सा आप लोगों को इस वीक को रोक के अगले वीक में चीज़ों को पोस्टपोन कर देंगे तो मामला ज़िंदगी आपके काफ़ी खूबसूरत रह पाएंगे। ये पूरे वीक में आप लोग अपने मामला ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे नज़रबंद से महफूज रहने के लिए, वो आप लोगों का होगा मंगल वाले दिन हस्ब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का सेजिटेरियस बर्जकॉस। सैटिजन आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का बेसिकली अपनी आमदन से जुड़े हुए मामला को थोड़ा सा प्लान आउट करने का है। जहाँ पे आमदन बढ़ रही है वहीं पे अखराजात बढ़ रहे हैं, शहाना मिजाजी आ रही है तबीयत में, तो थोड़े से नागहानी तौर के ऊपर भी अखराजात इस वीक में शामिल होंगे। कोशिश करें कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर आपके पास प्लानिंग मौजूद हो और अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं उसमें सेविंग्स आपके पास हफ्ते की इब्तदा से ही मौजूद रहनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई नागहानी तौर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंटली तौर के ऊपर इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस आउट ना हो अपने फाइनेंसिस को लेकर। ये पूरा वीक आप लोगों का खुद एतमादी के साथ गुजरता हुआ नजर आता है, कुछ मुतद्दद सफ़र के बारे में चीज़ें प्लान आउट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सैर व तफरी से ही जुड़ी हुई क्यों ना हो। ये पूरा वीक आप लोग अपने सिबलिंग्स के साथ जहाँ पे मोहब्बत भरे ताल्लुकात को शुरू कर रहे हैं वहीं पे अपने अजीज़ों कारिब रिश्तेदारों के साथ भी दरपेश मुश्किलात परेशानी और गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ कोशिशें लाजमी करेंगे। ये पूरा वीक आप लोगों का ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी को लेके जो बिला वजह की मिसकम्युनिकेशन चल रही है या फिर चीज़ें कुछ मुबहम है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए भी आप लोग काफ़ी हद तक कोशिशें करते हुए नजर आते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द वीक जाके कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ये पूरे वीक में आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप बेसिकली अपने जितने भी ख्यालात हैं, जितनी भी बात है, जितनी भी सोच है, उसको आप लोग बिल्कुल क्लैरिफाई रखें। कोई भी ऐसा सोच या ऐसा ख्याल ना हो जो कि आपके फैमिली मेम्बर से रिलेट करता है और उसको आप लोग रोक लें कि थोड़ा सा वक्त के साथ बताएंगे, ऐसा कतई तौर के ऊपर नहीं चलेगा। इस पूरे वीक में मोहब्बत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू होंगी। साहिब औलाद अगर अफराद हैं तो औलाद के नसीब से माली तौर के ऊपर फेवर्स का मिल जाना, या फिर आप लोगों के मुलाजमती जिम्मेदारियों में खुशबख्तियाँ होना, आप लोगों की फिजिकल हेल्थ में बेहतरी आ जाना, मुश्तरका तौर के ऊपर जितने रवाबत हैं उनमें काफ़ी हद तक फेवर्स का मिलना, और शरीक हयात की मुशावरत या उसकी मावनत की सबब आप लोगों के रुके हुए कामों में चीज़ों का जारी हो जाना, विरासती तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही थी उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों का सलूशन मिलना, लेकिन कोर्ट के जरिए लिटिगेशन से जुड़े हुए जितने मामलात हैं वो स्टिल अभी भी थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार होंगे। ये पूरा वीक आप लोगों का ज़ाती करियर के अतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप लोगों को करियर को ग्रो करने के कुछ मौाक़े मिल रहे हैं तो उन मौाक़ों को फौरी तौर के ऊपर अवेल करने की बजाय थोड़ा सा चीज़ों को हकीकत पसंदी के साथ एनालाइज़ करें और उसके बाद चीज़ों को फाइनल तौर के ऊपर डिसीजन मेकिंग में ले जाएँ। ये पूरे वीक में हल्का अहबाब के अतबार से कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर मौजूद हैं जो कि बेसिकली आप लोगों का ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करेंगे बल्कि आपके कुछ रिश्तों को भी बेहतर बनाने में मावनत करेंगे। ये पूरे वीक में आप लोग रूहानी बरकत के अतबार से जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बर्ज जदी
कैप्रिकॉर्न आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आमदनी के अतबार से मजबूत है, कुव्वत फैसला के अतबार से भी काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग काफ़ी हद तक हकीकत पसंद नज़र आते हैं, चीज़ों को बेहतर अंजाम देने की कोशिश करेंगे, आमदनी के वसाइल जनरेट करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, मुलाजमती मामलात को खूबसूरती के साथ अंजाम देने के अलावा मुश्तरक तौर के आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें काफ़ी कामयाब भी हैं। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत इस समर की है कि इस पूरे वीक में थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल रखें और जो भी चीज़ अंजाम देने हैं उसमें कतई तौर के ऊपर हाकमियत ना हो, जल्दबाजी ना हो और आपके लहजे में थोड़ी सी तलखी ना हो, नरमी रखने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीक में ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि शायद आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हों, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक भी इन्फॉर्म किया था। तो इस वीक में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उस सूरत में आप लोगों को थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है, फौरी तौर के ऊपर अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ आप लोगों को अपने लहजे में थोड़ी सी मिठास ज़रूर शामिल रखनी है। इसके अलावा ये पूरा वीक देखें तो ये पूरा ही वीक जहाँ पे आमदनी के वसाइल बढ़ रहे हैं वहीं पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो उस सूरत में चीज़ों को कंट्रोल या बैलेंस रखने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूर करें। सफ़र का इरादा बनता हुआ नज़र आता है और सफ़र आप लोगों के लिए खूबसूरत, इसके अलावा दौरान सफ़र आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए तजर्बात के अलावा कुछ नए अफराद भी शामिल हो सकते हैं। अजीज़ो कारब रिश्तेदारों के साथ आपके जितने भी रवाबत चल रहे हैं उनमें खूबसूरती ये नज़र आती है कि उनकी तरफ से जो फेवर्स अभी तक आप दे रहे थे वो फेवर्स आप लोगों को वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों के खानगी एतबार से थोड़ा सा अहमियत का हामिल है, बिलखसूस वालदा की सेहत के एतबार से भी, और इसके अलावा आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि खानगी खुशहाली का सबब बन रही हैं उन चीज़ों के एतबार से भी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अदरवाइज़ कुछ हासिद किस्म के लोग आपके खानगी माहौल में बला वजह की प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं, तो ऐसे अफराद की हदबंदी करना या ऐसे अफराद के इरादों को भांप लेना और उनकी कही हुई बातों को इग्नोर कर देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में है, सवारी में है, व्हीकल में है, एग्रीकल्चर में है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ट्रेडिंग में है, बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट्स से भी आप लोगों को थोड़ा सा इज्तनाब बरतना चाहिए कि माजी के तजर्बात को सामने रखें या फिर जो माजी के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें, मजीद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रुक जाना आपके लिए बेहतर होगा। इस पूरे वीक में आप लोगों के रवानवी ज़िंदगी के अतबार से चीज़ें मजबूत हैं, औलाद के नसीब से माली तौर के ऊपर खुशबख्ती मिलती हुई नज़र आती है, यहाँ पर आप लोगों के मुलाजमती जिम्मेदारियाँ जो हैं उनमें कहीं पे जो कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम्स आई या कहीं पे कुछ जिम्मेदारियों को लेके आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आउट थे, चीज़ें वहीं पे भी सेटल डाउन होती हुई नज़र आएंगी। मुश्तरका तौर के ऊपर जितने भी मामलात हैं उनको हफ्ते का जो पहला दिन होगा सोमवार का दिन उसमें थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होंगी, या फिर शरीक कार की तरफ से अगर कुछ चीज़ें तरतीब दी जा रही हैं उनमें तनकीद करने के बजाय थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लें, मामला ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके हस्बैंड मंशा तय पा जाएंगे। और यही सूरत हाल आपको थोड़ा सा अपनाने की ज़रूरत है अपने इज़दवाजी रिलेशन में भी, कि अगर शरीक हयात की तरफ से हफ्ते की इब्तदा में कुछ ऐसी फरमाइशें, कुछ ऐसी सोच या कुछ ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है जो कि आपके मिजाज के अकॉर्डिंग नहीं है तो थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लेना, ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर नेक्स्ट डे से ही चीज़ें आपकी तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों के विरासती मामलात कदरे बेहतर हैं, आप लोगों के कोर्ट के जरिए लिटिगेशन के जितने भी मामलात हैं अगर खुद अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो तब तो इतनी फेवर्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी तजर्बाकार फर्द की राय के अकॉर्डिंगली चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं तो तब मामला ज़िंदगी आप लोगों के लिए खुशबख्त रहेंगे। ये पूरा वीक आप लोगों के हल्का अहबाब में जहाँ पर ग्रोथ है वहीं पर मुखलिस अहबाब की शमूलियत भी नज़र आती है जो कि आपके मिजाज में मुस्बत पहलुओं को तरतीब देने के अलावा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप करेगी। उस पूरे वीक में आप लोग अपने इमोशंस को, जल्दबाजी को कंट्रोल करने के अलावा अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामला ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जो रूहानी सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हजब तो भी किसी भी लाल रंग की चीज़ का एक्वेरियस बर्ज दलव एक्वेरियंस आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक मजहब, रूहानियत, फलाही काम, जहनी तौर के ऊपर तख्लीकी सलाहियतों का बढ़ना, छोटे छोटे जो वहम वसवसे खदशात जहन में कहीं पे मौजूद थे उनका ख़त्म हो जाना, आमदनी के सबाब बढ़ाने की कोशिश करना, आमदनी के वसाइल बढ़ाने की कोशिश करना, आप लोग अपने इरादों को मज़ीद और ज़्यादा पुख्तगी की तरफ लेके जाते हुए नज़र आते हैं, तकवीत देते हुए नज़र आते हैं, अपनी माजी की कहीं पर जो गलतियाँ हैं उनको जहन से निकाल के कुछ नई चीज़ों को शुरू करने के बारे में अपने इरादों को मज़ीद और ज़्यादा
कवि करेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही वीक जहाँ पे आपकी आमदन के वसाइल बढ़ रहे हैं, कुछ नए मामला आपको मिल रहे हैं, वहीं पे करियर कारोबार रोजगार में भी बढ़ावा नजर आता है, या ऐसे अफराद जो कि अपने मुलाजमत को लेकर थोड़ा सा परेशान थे, मुलाजमत को तब्दील करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ तब्दील करना चाहते हैं, या फिर हसूल मुलाजमत के अतबार से जो लोग कोशां हैं, तो इस वीक पे हज़्ब मंशा आप लोगों के नताइज इंशाल्लाह मिल सकेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो ये पूरा ही वीक सफ़र के अतबार से आप लोगों के रवाबत के लिहाज से अजीज़ व अक़ारिब के साथ, बहन भाइयों के साथ, आपके हलका अहबाब के साथ, या फिर आपके इज़दवाजी तौर के ऊपर चीज़ों को लेकर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम चल रहे थे, ना सिर्फ उनका खात्मा होना शुरू हो जाएगा बल्कि आप लोग जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र वसीले ज़फ़र और तजदीद मरासम के लिए अगर कुछ ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं तो तब भी मामला ज़िंदगी आप लोगों के लिए खूबसूरत इंशाल्लाह रहेंगे। इस पूरे वीक में देखा जाए तो खानगी माहौल में खुशबख्ती, इसके ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी सवारी, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि व्हीकल में है आप लोगों के लिए फेवर्स का बाईस होंगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो रमानवी ज़िंदगी में खूबसूरती के अलावा अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की तरफ से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही थी या बिला वजह के उनकी सेहत के अतबार से खदशात लाहक थे, वो ख़त्म हो जाने से जहनी सुकून इंशाल्लाह मिल सकेगा। इस पूरे वीक में मुलाजमती तौर के ऊपर खुशबख्तियों के अलावा आप लोगों की अपनी ज़ाती फिज़िकल हेल्थ में बेहतरी, अजदवाजी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ और मुश्तरका मफादत के जितने भी काम हैं उनमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स का मिलते रहना इस वीक के तसलसल से शुरू होगा और अगले हफ्ते भी ये तसलसल जारी रह पाएगा। इसके साथ साथ अपने किसी ख़ास मकसद के तहत आप लोगों की ये कोशिश रहेगी कि शराकती तौर के ऊपर किसी काम की इब्तदा की जाए, जिसकी इब्तदा अगर इस वीक से हो रही है तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन या विरासती तौर के ऊपर चीज़ें अगर शॉर्ट आउट हैं नहीं या हल तलब हैं तो ऐसे मामला आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर तो शायद ना हो सकें, लेकिन वीकेंड के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी गैदरिंग का अहतमाम ज़रूर किया जाएगा जहाँ पे अपने आने वाले मामला ज़िंदगी जो कि विरासत या कोर्ट के जरिए लिटिगेशन या आपके फ्यूचर तलीम के अतबार से लिंकअप हैं, ऐसे मामला को कहीं ना कहीं पर आप लोग बैठ के चीज़ों में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और दूसरों से तजर्बात हासिल करने की कोशिश करेंगे या दूसरों से मुशावरत हासिल करने की कोशिश करेंगे जो कि इस वीकेंड के ऊपर नज़र आती है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा या फिर किसी न किसी तौर के ऊपर फलाही काम का हिस्सा रहना भी इस वीक में आप लोगों के लिए बाइस रहमत साबित होगा। इज्जत और रुतबे की बहाली तो मुमकिन नज़र आती है लेकिन ज़ाती बिजनेस में नए मुआहदे या नई इन्वेस्टमेंट्स स्टिल इस हफ्ते भी आप लोगों के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है। इस पूरे वीक में अपने मामला ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हज़्ब तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का पाइसेस वजहत पाइसेस। आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग काफ़ी हद तक खुद एतमाद नज़र आते हैं, आला ज़र्फ नज़र आते हैं, कुछ नित नए आइडियाज़ आपके मिजाज में गर्दिश करते हुए नज़र आते हैं और इसके अलावा आप लोग जो खुद एतमादी में कुछ फैसले कर रहे हैं, तब्दीलियाँ कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, चाहे वो खानगी हों, मुलाजमती हों, आपकी अजदवाजी हों, शराकती हों, या फिर आप लोगों के मोहब्बत के अतबार से हैं या आप लोगों के औलाद के लिहाज से हैं, हर तरह के मामलों में जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक खूबसूरत ना सिर्फ नज़र आता है बल्कि अपनी ज़ात के अलावा जो आपकी ज़ात से जुड़े हुए दूसरे अफराद हैं उनको भी भरपूर इस्तेफादा आप लोग पहुंचाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बेसिकली आप लोगों की तबीयत में आला ज़र्फ़ी नज़र आती है। आप कहीं ना कहीं पर अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने की कोशिशों में जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं जिसमें कामयाब भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह होंगे। आमदनी के अतबार से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इस वीक में कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक जाके सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इब्तदा के जो पहले तीन दिन हैं वो आप लोगों के लिए थोड़े से एहतियात तलब हैं कि अपनी ख्वाहिशात की बिना के ऊपर अपने एक्सपेंसेस को मत बढ़ाएं, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, या फिर हल्का अहबाब की ख्वाहिशात की बिना के ऊपर या अपने ऐसे सिबलिंग्स जो कि आपसे एज में बड़े हैं उनकी बिना के ऊपर अपने एक्सपेंसिस को मत इंक्रीज़ करें, अदरवाइज बाद में आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकती हैं। ये पूरा वीक सफ़र के अतबार से खूबसूरत है लेकिन आप लोगों के अजीज़ वक़ारिब से जुड़ी हुई जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा सा उनके माजी के किरदार के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस की सूरत में रखें, अदरवाइज़ आपको वक्ती मायूसी भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक जब भी सफ़र करें सफ़र से पहले सदक़े के अलावा
अपनी व्हीकल को एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा वीक खानगी इतबार से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही थी या अजदवाजी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, शराखती तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं पर सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा, आप लोगों के ताल्लुकात में बहाली आना शुरू हो जाएगी और आप लोग जो सोच रहे हैं, जो आइडिया है आपके मिजाज में या जो ख्याल है आपके जहन में, जो कहीं भी आप लोग उसको इजहार नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में आप लोगों का इंशाल्लाह इजहार भी होगा और दूसरे अफराद आपकी बात के ऊपर कायल भी होंगे, क्योंकि आप लोगों की कायल करने की सलाहियत इंक्रीज करेगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो जहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं अपनी और दूसरों की जिंदगियों में, वहीं पर यह वीक आप लोगों के साहिब औलाद अफराद होने के साथ साथ उनकी जिंदगियों से जुड़े हुए जो मसाइल चल रहे थे उनका खात्मा भी मुमकिनात में से रह पाएगा। लेकिन ये वीक आप लोगों का इब्तदा से पहले जो दो दिन है वो रोमानवी ज़िंदगी के अतबार से थोड़ा सा एहतियात तलब है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ कहीं पे कदरें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी या हसूल मुलाजमत के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी का मिल जाना आप लोगों के लिए बाई से रहमत भी होगा। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामला जो कि बेसिकली बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या अपने आबाई शहर या वतन से दूर इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि तलीम के किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा आप लोगों को तरतीब देने की कोशिश करनी है या माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मामला ज़िंदगी को अंजाम देना है और नए माहदे करते हुए आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ों को किसी तजर्बाकार फर्ड से ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि दूसरों से चीज़ों को शेयर कर लेना आपके लिए ज़्यादा मुस्बत साबित होगा बजाय इसके कि आप लोग तमाम फैसले खुद एतमादी की ही दौड़ में खुद करते चले जाएं। स्पेशली ऐसे मामलात जो कि ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तलीम या फिर आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आबाई शहर या वतन से दूर हैं, इन चीज़ों के ऊपर फैसला दूसरों से करवा लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। इस पूरे वीक में अपने मामला ज़िंदगी खुशबख्त रखने के लिए, स्पेशली अपने करियर से जुड़े हुए जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको तकमील देने के लिए या अपने सोच को मज़ीद और ज़्यादा मजबूत रखने के लिए जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हज़्बे तौफीक किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने पूरे ज़ोडिक साइन के मुताबिक और इस पूरे हफ्ते के वीडियो के मुताबिक अपने वीक को बड़ी खूबसूरती से प्लान आउट किया होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो का इंट्रोडक्शन का हिस्सा मिस किया है तो उसको लाजमी तौर के ऊपर सुने, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, आप लोग उसको डेफिनेटली तौर के ऊपर सुने ताकि आपको पता चल सके ये पूरे महीने की खूबसूरत कौन सी प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं और उनमें आप लोग क्या खूबसूरत अमलियात या दुआएँ वज़ाइफ रूहानी तौर के ऊपर कर सकते हैं। बहुत सारी रमज़ान की रातों की दुआओं में मुझे भी याद रखेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।